खाना खा लेना, आज तुम्हारा फेवरेट राजमा चावल बना है, और पूरा खा लेना, बिल्कुल भी पचाना मत, ठीक है? और सारी किताबें रख दी है ना? हाँ माँ रख दी है। नहीं हूँ, जब से तुम पैदा हुई हो ना तब से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। मुझे तो लगता है कि किसी का श्राप है मुझ पर जो तुम जैसी लड़की मेरे घर में पैदा हुई है। पता है तुम्हें, तुम्हारी वजह से हमें कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। और हाँ एक बात याद रख, तुम इस घर में हो, यहाँ नए घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, समझी? कोई जरूरत नहीं है इसे कुछ भी देने की, भूखे पेट रहेगी ना तब समझ में आएगा कि वही गलती फिर से नहीं करनी चाहिए। और हाँ हम लोग बाहर जा रहे हैं, इस कमरे की खिड़की बंद कर देना और दरवाजे को लॉक करके रख देना। ना बेटा रोते नहीं ना। आजा बेटा आओ, आज बैठो। हाँ ताई जी, मुझसे कोई प्यार क्यों नहीं करता? नहीं बेटा, सब तुम्हें प्यार करते हैं। मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ ना। पर मुझे इस रूम से बाहर क्यों नहीं जाने देते? मेरी दीदी तो स्कूल भी जाती हैं, उनके दोस्त भी हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। उन्हें मेरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर राजकुमार को तो फर्क पड़ेगा ना। मतलब कहीं किसी जगह पे ना एक राजकुमारी थी, उस पे ना एक चुड़ैल का साया था। चुड़ैल पता है ना, गंदी सी मोटी मोटी लाल लाल आँखों वाली, दांत बाहर नाखून ऐसे बड़े बड़े, बड़ी डरावनी सी। उसकी घर वालों ने उस राजकुमारी को ना महल में बंद कर दिया था। अब चुड़ैल का श्राप हटाने के लिए, उसे बचाने के लिए कोई राजकुमारी आ सकता है ना, जो उसे बहुत सारा प्यार करे। और फिर ना सालों तक वो राजकुमार का इंतजार करती रही, और एक रोज राजकुमार आ गया। उसने उसे ढेर सारी खुशियाँ दी, ढेर सारी। सच? और नहीं तो क्या, तुम्हें यकीन नहीं है तो ना सही। नहीं नहीं ताई जी, आप मुझे उस राजकुमार के बारे में और कुछ बताओ ना। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। पहले ना तुम मुझे ये अपना हारमोनिका बजा के सुनाओ। अब तो घर में भी कोई नहीं है, बजाओ बजाओ चलो।